पर सीएम भजनलाल शर्मा को इन जरूरतमंद लोगों की फिक्र ज्यादा नजर आई। आगे बढ़ेंगे, नए साल का आगाज मोती डूंगरी मंदिर पहुंचे लोग और नए साल का आगाज आज से किया। शहर के प्रमुख मंदिरों से भक्तों का सैलाब देखने को मिला। आराध्य देव गोविंद देव जी और प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की आस्था उमड़ पड़ी। यहाँ पे भगवान के दर्शन कर भक्तजन कर रहे हैं नववर्ष की शुरुआत। तो नए साल का आगाज हो गया है, 2024 आ गया है और 2023 को टाटा बाय बाय बोलकर नए साल में सभी ने प्रवेश किया और इसी के साथ हर कोई इस दिन की शुरुआत मंदिर में जाकर अपने आराध्य के सामने जाकर मना रहा है। मोती डूंगरी मंदिर लोग पहुंचे हैं, ये जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज से नए साल का आगाज श्री गणेश के साथ। शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। अपने आराध्य देव गोविंद देव जी और प्रथम पूज्य मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भक्तों की आस्था देखने को मिल रही है। दर्शन कर भक्तजन कर रहे हैं नववर्ष की शुरुआत। तो ये नए साल की पहली तस्वीर आपके सामने और आशा करते हैं कि आप भी इस तरीके से अपने जीवन का और अपने नए साल की शुरुआत इन्हीं के साथ करें। हमारे साथ अनूप, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अनूप, नए साल का आगाज हो गया है और नए साल की आपको भी ढेर सारी बधाई। नए साल की शुरुआत मंदिरों से भी की जा रही है, लोग अपने आराध्य देव के सामने जा रहे हैं, मंदिरों में खासा भीड़ नजर आ रही है। मोती डूंगरी में अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लोगों को, तो वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ है। कैसा वहां का मंजर है और किस तरीके से लोग अपने नए दिन की शुरुआत, पहले दिन की शुरुआत मोती डूंगरी पहुंचकर श्री गणेश के साथ कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, रात को 12 बजते ही सूर्य का कांटा जिस समय 12 बजे पर आया, उसी समय से नए साल का आगाज हो गया। इसी को लेकर के जो भक्तजन हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। इस समय हम मोती डूंगरी गणेश मंदिर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, भगवान गणेश से यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी तरीके का जो नज़ारा है वो जयपुर शहर के जो अन्य मंदिर हैं, सभी मंदिरों में इसी तरीके का नज़ारा बना हुआ है। चाहे गोविंद देव जी मंदिर की बात की जाए या अन्य मंदिरों की बात की जाए, जयपुर शहर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के अंदर भक्तों का जो रेला है वो सुबह से ही उमड़ रहा है। एक एक करके यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और भगवान से नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं और नया वर्ष मंगलमय हो उसकी यहाँ पर कामना की जा रही है। और इस वक्त आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि इस वक्त हम गणेश मंदिर मोती डूंगरी में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भक्त हैं उनका जो आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। एक एक करके यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और नए साल की जो शुरुआत है वो मंदिरों में दर्शन करके कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं कि उनका परिवार के अंदर सुख रहे, समृद्धि रहे और पूरा जो 2024 है वो अच्छी तरीके से उनका बीते, ऐसी यहाँ पर कामना की जा रही है। और जयपुर शहर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर इसी तरीके के जो भक्त हैं उनका जो सैलाब है वो उमड़ रहा है। चाहे से गोविंद देव जी मंदिर की बात की जाए और मोती डूंगरी गणेश मंदिर की बात की जाए, भक्तों का जो रेला है वो सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर है। और चाहे से अगर युवाओं की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, सभी वर्ग यहाँ पर मंदिर के अंदर मौजूद है। हमारे साथ में कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आज साल का पहला दिन है और आज की शुरुआत आप गणेश मंदिर से कर रहे हैं? हाँ जी, गणेश मंदिर और गोविंद देव जी यहाँ पर जाके पहले हम गोविंद देव जी गए थे सुबह मंगला झाकी में, फिर हम वहाँ से आए सीधे यहाँ पर गणेश जी के। अब हम हमारा कहीं और प्रोग्राम है। जी हाँ, देखिए जो भक्त हैं उनका ये कहना है कि आके सुबह की जो शुरुआत है वो उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर में मंगला आरती से करी, उसके बाद के अंदर वो गणेश मंदिर के अंदर आए हैं, यहाँ पर भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं, उनसे जानते हैं आज की शुरुआत किस तरीके से कर रहे हैं आप? सर नए, वैसे हर बुधवार को गणेश जी आते हैं सर, पर नए साल के लिए दर्शन करना सबसे मंगलदायी है सर, तो एक नए साल की शुरुआत गणेश जी के साथ कुछ सर अपने सुधार के लिए सर अब कर रहे हैं और सभी की मंगल कामना के लिए, परिवार की मंगल कामना के लिए सर। यहाँ देखिए इनका ये कहना है कि परिवार की मंगल कामना के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए वो मंदिर आए हैं। सुबह मंगला आरती के समय के अंदर ये गोविंद देव जी मंदिर पहुँचे थे, उसके बाद में वहाँ से गोविंद भगवान गोविंद का आशीर्वाद लेकर के वो सीधे मोती डूंगरी गणेश मंदिर आए हैं और यहाँ पर दर्शन करके परिवार की सुख समृद्धि की यहाँ पर कामना की जा रही है। और जो भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार यहाँ पर उमड़ रहा है। अनूप, रात को पार्टी जो अन्य मंदिर करते ही है, लेकिन अपने दिन के, नए साल के पहले दिन की शुरुआत हर कोई मंदिर जाकर भगवान के आगे अब मत्था टेक कर उसी से करना चाहता है, क्योंकि वो यही चाहता है कि उसका आने वाला जो साल है वो मंगलमय रहे, खुशहाल भरा रहे और कोई बाधा उसमें ना हो, और उनका आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद लेना बेहद जरूरी है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है जिस तरीके
केस हम देख पा रहे हैं, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है वहाँ पे। और क्योंकि मोती डूंगरी गणेश भगवान को तो हर कोई मानता है, उनके आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत भी लोग इसी वजह से कर रहे हैं। जी आप बिल्कुल, मोती डूंगरी गणेश मंदिर गणेश जी का मंदिर है, प्रथम पूज्य हैं, जो भी शुभ कार्य होते हैं वो इन्हीं के आशीर्वाद से होते हैं, इसलिए भगवान गणेश को मनाना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। इसी को लेकर के जो भक्त हैं वो आज के दिन की जो शुरुआत है वो गोविंददेव जी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर से कर रहे हैं, और भक्त हैं वो यहाँ पर उनके जो आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। नए साल का आज पहला दिन है और इसी को लेकर के जयपुर शहर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं वहाँ पर भक्तों का जो रेला है वो लगातार उमड़ रहा है, सैलाब है वो आ रहा है। चाहे से आज के अगर मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम पिछले कई दिनों के बाद में आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस की जा रही है और कोहरा है वो भी आज जयपुर शहर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद जो भक्त हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ लगातार जारी है और जो भक्त हैं वो लगातार मंदिरों की ओर रुख कर रहे हैं। इस तरीके का जो मंजर है वो जयपुर शहर के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनु, पर अगर आपके आसपास कुछ भक्तजन मौजूद हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए और जाने की किस तरीके से आज का पहले दिन की शुरुआत वो श्री गणेश के साथ कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज का जो दिन है उसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर जो भक्तजन है वो यहाँ पर आकर के कर रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं, परिवार के अंदर सुख रहे, समृद्धि रहे, ऐसी यहाँ पर कामना की जा रही है। आज साल का पहला दिन है और आप मंदिर के दर्शन करने के लिए आए, किस तरीके की शुभकामनाएं मांगी आप? बढ़िया, अच्छा लगा। जी हाँ बिल्कुल, जो यहाँ पर जो भक्त हैं उनका यही कहना है कि आज के दिन की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की जा रही है और इसी को लेकर के जो भक्त हैं उनके अंदर जो उत्साह का माहौल है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। एक एक करके यहाँ पर भक्त आ रहे हैं और भगवान गणेश से और चाहे से गोविंद देव जी की बात की जाए वहाँ पर आशीर्वाद उनसे प्राप्त कर रहे हैं कि उनका जो नया साल है वो बिल्कुल सुख और समृद्धि के साथ बीते, ऐसी यहाँ पर जो कामना है वो की जा रही है और भक्तों का जो आने का जो सैलाब है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप, इन तमाम खूबसूरत तस्वीरें आप हमारे साथ साझा करने के लिए और जानकारी